हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको सेब के पौधों की बेंडिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह से बेंडिंग की जाती है और पूरा इसमें इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो है आप लोगों तक पहुँचती रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका भी लिंक दिया हुआ है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। वैसे जो मेरे हिसाब से हर आदमी का अलग आइडिया होता है, अलग सोच होती है, मेरे हिसाब से जो सेब की बेंडिंग है वो अब जून के जुलाई का महीना है, ये स्टार्ट हो गया है, आज 3 जुलाई है, इस वक्त होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो ये प्लांट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ग्रोथ बराबर हो चुकी है, ये तीनों बराबर उसमें भाग रहे हैं। और अगर मैं इसकी ग्रोथ बेंडिंग जल्दी करता, मान लीजिए इसकी ग्रोथ इतनी होती, तो मैं उस वक्त इसे अगर बेंड कर देता तो यहाँ से ये दोबारा ऊपर को घूम जाना था। मान लीजिए ये वाला टहना ये यहाँ तक बढ़ता, अब ये काफ़ी आगे चला गया। अगर मैं इतनी जल्दी इसकी बेंडिंग कर लेता जब ये यहाँ था, तो ये फिर जब बेंड होने के बाद वहाँ से दोबारा इस तरह से ऊपर को हो जाता है, वो आपने देखा ही होगा, सबको पता है। तो बेंडिंग तब करें जब आपका टहने में जुलाई के महीने में करें, क्योंकि अगस्त और सितंबर में भी अभी काफ़ी ग्रोथ होगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से बेंडिंग करनी चाहिए। और ये दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बेंडिंग करनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो पौधा सामने है इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो आप इस तरह से ये जो नायलॉन के धागे होते हैं इसको ले ले, और जो आप देख सकते यहाँ पर ये पत्ती है, इसमें इस तरह से आप पहले फंसा ले, और इसमें ज्यादा आपने वो जोर से इसे नहीं फंसाना है, मतलब इसे टाइट ना करे, इस तरह से बिल्कुल टाइट ना करे, लूज रखे इस तरह से। और फिर एक बार इसमें इस तरह से यहां से इसमें गांठ लगा दे, नहीं तो ये दोबारा से टाइट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अब ये टाइट नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा गैप है। फिर यहां से आप नीचे कहीं भी आप इसे बांध सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं इसे यहां बांध देता हूं इस तरह से। नीचे भी हमें टाइट नहीं करना है, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी, आपको गांठे पड़ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको इतना सा बेंड करूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा बेंड करने की इसको जरूरत नहीं है, बिल्कुल गोल बेंड आप ना करें, नहीं तो आपके जो बड फॉर्मेशन वहां से हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं एक टहनी मैंने बेंड कर दी है, दूसरी को भी मैं दिखाता हूं आपको। ये आप देख सकते हैं, अगर ये ज्यादा वी शेप में तो आप इसे निकाल दे, अगर हो लगता है आपको कि ये बेंड हो जाएगी जैसे ये हो रही है, तो इसे बेंड कर दे। यहाँ पे भी मैं यहाँ इस जगह पे से इसको धागा लगाऊंगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं इसमें धागा लगा दूंगा इस तरह से, उसी स्टाइल में, इसमें गांठ ना पड़ने दे आप। और फिर आप इसे अपने हिसाब से ज़्यादा बेंड ना करें, बस इतना सा बेंड आपको करना है, इससे ज़्यादा अगर आप इसे गोल कर देंगे बिल्कुल इस तरह से नीचे को, तो इसमें यहाँ से बड फॉर्मेशन हो जाएगी या शूट आएंगे ऊपर को और वो भाग जाएंगे और आपका जो टहना है वो वीक हो जाएगा। बस इतना सा आपने इसको बेंड करना है, मैं आपको 2-3 पौधों में अच्छे से बेंड करके दिखा दूंगा।
ध्यान रखे कि इसमें ना नीचे ना ऊपर गांठ नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वहां से आपका टहना टूट जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसे मैंने इस तरह से बेंड कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये वाला टहना है जो, इसे भी मैं यहाँ से जहाँ से ऊपर वाली पत्ती हो वहाँ पर, ताकि इसमें ये इस तरह से फंस सके, नहीं तो ये स्लिप हो जाता है। इस तरह से आपने इसमें गांठ एक बार लगा देनी है और फिर इसे निचली वाली साइड को ऊपर को घुमा देना है इस तरह से, ताकि ये टाइट ना हो सके। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, फिर इसे भी मैं नीचे बांध दूंगा। इससे ज्यादा बेंड आपको नहीं करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी बेंडिंग हो चुकी है, ना तो ये यहाँ से टाइट आप करें, ना ही नीचे से इसे ज़्यादा टाइट करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और इससे ज़्यादा बेंडिंग भी आपने इसकी नहीं देनी है। और मैं पहले भी बता दिया आपको, अगर आप टूथपिक से करते हैं तो फिर आप तब करें जब यह 6-7 इंच की इसकी ग्रोथ हो, और अगर आपने इस तरह से इसकी बेंडिंग करनी है तो अब आप इसे जुलाई के महीने में इसकी बेंडिंग करें। मैं आपको एक दो पौधे में और भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भाइयों को भी इसकी नॉलेज मिल सके। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक और पौधा है, इसको भी मैं बेंड करा के आपको बताता हूँ किस तरह से बेंडिंग होगी। एक पौधा मैंने आपको पहले दिखा दिया, दूसरा मैं आपको एक और दिखाता हूँ। तो ये जो आपका धागा है, ये इस तरह से मैं धागा ले लूंगा, फिर से आपको बताता हूँ। ये जो इसमें इस तरह से ऊपर को पत्ती आई हुई है, यहाँ से आप बांधे ताकि जो आपका धागा है वो स्लिप ना करे। इस तरह से, इस तरह, इस तरह से बांधने के बाद इसे हम सिर्फ इतना सा बेंड करेंगे, ज़्यादा बेंड नहीं करना है। और नीचे जहाँ भी कहीं टिकता है वहाँ पर हम टिका देंगे इसको इस तरह से। ये इससे ज़्यादा बेंड इसे हमें नहीं करना है। और फिर नीचे भी आपकी गांठ नहीं पड़नी पड़ती चाहिए, इसे लूज रखें इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे मैंने बांध दिया है। इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक डायरेक्शन में है, इसे बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसे ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है। बांधना सिर्फ उन्हें है जो ज़्यादा खड़े जा रहे हैं, जैसे ये 7 वाला है, ये भी ज़्यादा खड़ा इसमें जा रहा है, तो इसको भी मैं आपको बांध के दिखाता हूँ।
दोस्तों इसमें भी जो ऊपर वाली टहनी है, जैसे यहाँ पर पत्ती ही ये आप देखेंगे, ये पत्ती ऊपर को है, जब इसे दबाएंगे तो ये पत्ती ऊपर आ जाएगी इस तरह से। तो यहाँ से मैं इसे बांधूंगा इस तरह से, पहले दो गांठ आप मार लीजिए। अगर ये स्लिप कर रहा है तो आप नीचे से घुमा दीजिए, देख सकते हैं आप ये नहीं स्लिप कर रहा, तो अब मैं इसे नहीं घुमाऊंगा, नहीं तो आप इस धागे को दोबारा से ऊपर से एक बार अंदर से, जैसे ये देख सकते हैं ये इसका बैक है, तो इसे अंदर से इस तरह से घुमा दे ताकि ये स्लिप ना करे। ये इस तरह से इसे मैं कर दूंगा, फिर इसे भी नीचे इतना ही बेंड करना है, ज़्यादा बेंड नहीं करना, इससे ज़्यादा बेंड मैं इसे नहीं करूंगा, और फिर इसे नीचे भी यहाँ मैं इस तरह से टाइट कर दूंगा। इससे ज़्यादा बेंडिंग आपने नहीं देनी है, नहीं तो आपको इसमें वहाँ से ये भाग जाएगा, इतनी बेंडिंग सही रहती है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा घने लगाए हुए हैं रूट स्टॉक वगैरह तो थोड़ा ज़्यादा आप इसको थोड़ा और ज़्यादा बेंड कर सकते हैं। अगर आपको बड फॉर्मेशन 1-2 फुट पे, जैसे नई तरीके से लोग लगा रहे हैं उस तरह से अगर आपने लगाने हैं और ज़्यादा बेंड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके गैप ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इसे बेंड ना करें, बस इतना सा बेंड आपको इसे करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बेंड कर दिया है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये इस तरह से बेंडिंग इसकी होगी है, ज्यादा बेंड आपको नहीं करना है। ये अरे परे बेंडिंग का मेन मकसद ये है कि जो ऊपर वाला हमारा ये टहना है ये लीडर बन जाए, ये ज्यादा ग्रोथ में आए, तो यही इसका मेन मकसद होता है। और ये देख सकते हैं आप इस तरह से, यहाँ से भी आपने इसे लूज रखना, अगर आप इसे टाइट कर देंगे तो गांठ पड़ जाएगी, टूटने के चांसेस रहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से भी लूज है, यहाँ से भी ये लूज रखा हुआ है, यहाँ से भी लूज रखा हुआ है ताकि इसमें गांठ ना पड़े, नहीं तो यहाँ पर इसमें गांठ पड़ जाएगी और आपका जो टहना है वो टूटने के चांसेस बने रहते हैं। तो मैं आपको 1-2 पौधा और दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसे भी इससे ज्यादा बेंड मैंने नहीं किया है, इतना सा बेंड किया है। बड़ा पौधा हो या छोटा पौधा हो, अगर आप सिंगल लीडर बना रहे तो इससे ज्यादा बेंड आपने इसे नहीं करना है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं जल्दी बेंड कर देता, मान लीजिए जैसे मैं मान लीजिए इसे यहीं बेंड कर देता, तो ये यहाँ से ऊपर घूम जाना था, अब ये यहाँ जाके यहाँ से ऊपर घूमेगा क्योंकि हमें बीच से इसमें गैप चाहिए, अब ये यहाँ से ऊपर घूमेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे यहाँ से कट कर देंगे या आगे से कट कर देंगे, वो देखते हैं जितनी इसकी ग्रोथ होगी। सर्दियों में आपके लिए फिर से मैं एक वीडियो लाऊंगा इसकी कटिंग के रिगार्डिंग भी, पहले भी मैंने वीडियो लाई हुई है, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।